विधानसभा और लोकसभा चुनाव आज हो जाएं तो हरियाणा में किसको कितनी मिलेंगी सीटें, सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति हरियाणा में अभी मजबूत है, तो वहीं लोकसभा में स्थिति खराब है। विधानसभा में उसकी मजबूती उनकी मैनेजमेंट और कांग्रेस की गुटबाजी के साथ सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों में एक न होने का बीजेपी को हाल फिलहाल लाभ मिल सकता है। कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के दुश्मन खुद की महत्वाकांक्षा के कारण बने हुए हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पिछली बार भी अलग रिजल्ट था, अब की बार भी यही होने वाला है। मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से, तो आइए आगे बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। विधानसभा चुनाव 2024 होने में अब कुछ माह शेष रह गए हैं। देश के अन्य राज्यों की तरह हरियाणा में भी चुनावी जीत हासिल करने के लिए विपक्षी दलों के नेता एक मंच पर आने की रणनीति बनाने में जुटे हैं, ताकि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को चुनाव में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना संभव हो सके। इसको लेकर सियासी दलों के बीच हर स्तर पर कवायद जारी है। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून 2023 को विपक्षी दलों की बैठक अपेक्षा के अनुरूप सियासी असर न छोड़ने के बावजूद हरियाणा में किसान आंदोलन, दिल्ली अध्यादेश, पहलवानों के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई सहित अन्य अहम मसलों पर विपक्षी दलों के नेता बीजेपी नेतृत्व के साथ मनोहर लाल खट्टर सरकार को घेरने में जुटे हैं, लेकिन उसका असर जनमानस पर बहुत कम है। सूत्रों के मुताबिक 2019 के विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने में चूक जाने वाली भाजपा ने अब 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गैर जाट मतदाताओं पर ज्यादा फोकस करने का मन बना लिया है। भाजपा ने हरियाणा में निर्दलीय विधायकों के बल पर सरकार बचाने और गैर जाट मतदाताओं के बल पर राज्य में राजनीतिक जमीन बचाने का प्लान तैयार कर लिया है और पार्टी इसी रोड मैप को लेकर एक साथ कई स्तरों पर लगातार काम कर रही है। माना जाता है कि हरियाणा में जाट मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा 21% के लगभग है। दावा यह भी किया जाता है कि जाट मतदाता प्रदेश की 35 विधानसभा सीटों पर जीत हार तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, लेकिन भाजपा अब राज्य में अपने परंपरागत माने जाने वाले वोट बैंक के साथ साथ एक वर्ग को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के मतदाताओं पर खास फोकस करने जा रही है। भाजपा की नजर खासतौर पर मायावती यानी बसपा के वोट बैंक पर है। हरियाणा में जाटों के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक अनुसूचित वर्ग का है। राज्य में 21% के लगभग मतदाता अनुसूचित वर्ग से आते हैं और यही वजह है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने वाली बसपा को भी राज्य में 4.14% वोट मिला था। भाजपा की यह रणनीति है कि राज्य में गैर जाट यानी दलित, ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, सिख जाट, गुर्जर और यादव जैसे मतदाताओं को लुभाया जाए, जिनकी संख्या कुल मिलाकर 69 से 71% के आसपास बैठती है। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि हरियाणा में जाट वोटों के कई दावेदार हैं और इनका बंटना तय है। पार्टी यह भी मानकर चल रही है कि किसान आंदोलन और पहलवानों के आंदोलन की वजह से उसे जाटों का वोट मिलने की संभावना बहुत कम है और ऐसे में दूसरे वर्ग के मतदाताओं पर फोकस करने से पार्टी को ज्यादा लाभ मिल सकता है। हरियाणा में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को चुनौती देने के लिए दिल्ली व अन्य राज्यों की तरह कवायद में जुटे हैं, लेकिन विपक्षी दलों का एकजुट होना मुश्किल है। ऐसा इसलिए कि यहां पर कांग्रेस, आप और इनेलो के नेताओं के बीच अहम का टकराव विपक्षी एकता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। अगर दिल्ली अध्यादेश के मसले पर आप और कांग्रेस में सहमति नहीं बनी तो हरियाणा में आपका अगल से चुनाव लड़ना तय है। कांग्रेस और इनेलो हर नजरिए व हमेशा से विरोधी विचारधारा में पार्टियां हैं। जहां तक जजपा की बात है, वो अभी सत्ताधारी पार्टी के साथ है। बीजेपी का दावा है कि वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर हरियाणा में अभी सियासी दलों का रुख स्पष्ट होकर सामने आने का काम बाकी है। इसके बावजूद विपक्षी दलों के नेता इस बात पर सहमत हैं कि सभी को एक साथ चुनाव लड़ने की जरूरत है। सीटों का सर्वे अगली वीडियो में देंगे, पर भाजपा चुनाव मैनेजमेंट से जीतती है तो ऐसे में भाजपा ने 2024 के लिए मैनेजमेंट तैयार कर ली है। जजपा का कम होता जनाधार को देखते हुए एक और लाल तैयार कर लिया है, जो कि इनको सरकार बनाने में काम आएगा। बेशक आज हवा कांग्रेस की दिख रही हो, पर भाजपा की रणनीति कांग्रेस पर हावी होगी। विजय भव की सर्वे के अनुसार भाजपा की रणनीति और मैनेजमेंट से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए रहा आसान नहीं है, क्योंकि उनमें गुटबाजी भी हावी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी 10 में से 7 सीटें जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। दो इनेलो और एक कांग्रेस के खाते में गई थी। साल 2014 में बीजेपी के खाते में 34.7%, कांग्रेस के खाते में 29.9% और इनेलो के खाते में 24.4%।
HJCBL कुलदीप बिश्नोई के खाते में 6.1%, बसपा के खाते में 4.6% और अन्य के खाते में 4.2% वोट गिरे थे। बीजेपी के प्रत्याशी अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद की सीटों पर जीत हासिल करने में सफल हुई थी। बीजेपी के जीतने वाले प्रत्याशियों में रतनलाल कटारिया, राजकुमारी सैनी, अश्विनी कुमार चोपड़ा, रमेश चंद्र कौशिक, धर्मवीर सिंह, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर शामिल थे। रोहतक सीट पर कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा और सिरसा व हिसार सीट पर इनेलो के चरणजीत सिंह, रोरी और दुष्यंत चौटाला चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। साल 2019 चुनाव की बात करें तो बीजेपी हरियाणा की सभी 10 में से 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। बीजेपी को 58.21% मतदाताओं का समर्थन मिला था, जबकि कांग्रेस के खाते में 28.91%, जननायक जनता के खाते में 4.9%, बीएसपी के खाते में 3.65%, INLD को 1.9% और नोटा को 1.7% वोट मिले थे। साल 2019 में बीजेपी के टिकट पर रतनलाल कटारिया, नायब सिंह, सुनीता दुग्गल, ब्रजेंद्र सिंह, संजय भाटिया, रमेश चंद्र कौशिक, अरविंद कुमार शर्मा, धर्मवीर, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीतने में कामयाब हुए। इस बार भी किसान आंदोलन, पहलवानों के प्रदर्शन सहित अन्य मुद्दों पर बीजेपी को विपक्ष दलों के नेता बीजेपी को घेरने में जुटी है, लेकिन ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक बीजेपी को इससे ज्यादा नुकसान की आशंका नहीं है और पार्टी की पहले से ज्यादा मजबूत है। चैनल के सर्वे और हमारे सर्वे में काफी अंतर है। खैर, आपको क्या लगता है विजय भव के सर्वे का, हमें जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।